खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फाइव फोर थ्री टू वन जीत। साध्वी प्रज्ञा भोपाल सीट जीत रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, ये वो मुकाबला जिसको लेकर देश भर में दिलचस्पी। साध्वी प्रज्ञा बनाम दिग्विजय सिंह की लड़ाई, दिग्विजय सिंह को भोपाल में हरा रही है साध्वी प्रज्ञा, ये बहुत बड़ी खबर है। चुनाव में लगातार विवादित बयान साध्वी प्रज्ञा ने दिए, दिग्विजय सिंह ने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। हाँ, साध्वी प्रज्ञा को टक्कर दिग्विजय सिंह ने उसी हिंदुत्व के आधार पर ही दी जिसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह को कटघरे में साध्वी प्रज्ञा की तरफ से खड़ा किया गया। सीधे रुख करते हैं मेहमानों के पैनल का। रूबिका, अच्छा जब आप ये सारे आंकड़े बता रही थी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसमें जैसे ही साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया मैं आकार को नहीं देख पाई, क्योंकि आकार कभी कभी अपने एक्सप्रेशंस छुपाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मैंने अभिज्ञान को देख लिया और मैंने प्रदीप जी को देख लिया, और साध्वी प्रज्ञा की जीत से बहुत ज्यादा एक्साइटेड मुझे लगता है बहुत सारे हिंदुस्तानी नहीं होंगे। अभिज्ञान, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पहले तो भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय को, हालांकि उसके अमित शाह ने दलील दी है, उसको नहीं मैं मानता। और दूसरी बात, सच में मैं कोई दिग्विजय सिंह के मेरे अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा मुझे साध्वी प्रज्ञा को ना जीतते देखते हुए भोपाल से, और आपकी जो ये पोल है ये गलत साबित हो, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। प्रदीप जी, मतलब इतनी साफ गोई से कभी विश्लेषण नहीं होगा, किसी चैनल पर विश्लेषण नहीं हुआ होगा, जहां आपने सच में हिंदुस्तान की राजनीति को जैसा अभिज्ञान कह रहे हैं, कुछ लोगों की सच में जरूरत नहीं है, उनमें से एक साध्वी प्रज्ञा, दोनों, और मैंने कहा कन्हैया कुमार साध्वी प्रज्ञा दोनों को जीतना, जो जीतते देखना मुझे अच्छा लगेगा। बीजेपी का साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाने का, कि जो नकली हिंदू टेररिज्म का नैरेटिव खड़ा, वो दलील है अमित शाह, उसको इशू बनाया जाए। सर, सत्याग्रह तक उसे कह दिया जाना, वो हुआ नहीं, उसके उल्टे हुआ कि उन्होंने जो बोला, आज उन्होंने जो मौन व्रत लिया है, अगर नॉमिनेशन के दूसरे दिन से उनको मौन व्रत पे भेज दिया गया होता तो शायद बीजेपी के लिए बेहतर रहता। आकार, वैसे औरतों का जीतना लोकसभा में हमारे लिए अच्छा है, हम सब लोगों के लिए। यहाँ पे दो मुद्दे हैं। जो पार्टी अपनी बुनियादी पॉलिसी एंटी टेरर रखती है, उसे एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा करना जो एक टेरर केस में आरोपी हो, ये बिल्कुल ही उचित नहीं। दूसरी बात ये कि हमें ये भी मानना होगा कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकता है कि आप कुछ भी बोलें तो भी आपको वोट मिलेंगे। ये हमारी पार्टियों के लिए एक बड़ा सा लेसन है कि आप संभाल के रखें उन कैंडिडेट्स को और उन्हीं को दें टिकट जो ऐसे बर्रे सगीर में पॉलिटिकल वायलेंस की जो हिस्ट्री है वो 60-70 साल की है। ऐसे माहौल में हमें ऐसे कैंडिडेट्स को ही टिकट देनी चाहिए जो वहां पर आग ना फैलाए। ठीक है, मैं बस एक आखिरी सवाल यहाँ छोड़कर और फिर रुमाना के पास जाऊंगी और उसका जवाब जब हम लौटेंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तो भोपाल में जो वोट पड़ रहे हैं और जो एबीपी नीलसन का ये पोल बता रहा है, तो साध्वी प्रज्ञा को वोट दिया गया है या जवाब दिया गया है हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को? इन दोनों को भी ऐसे देखना पड़ेगा, ये उस प्रिज्म से देखना पड़ेगा। इस पर हम बात करेंगे।